वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं स्वालम लेक व्यू रिजॉर्ट। देखो इसका एंट्रेंस कितना ब्यूटीफुल और ग्रीन है। आओ मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। जैसे ही हमने एंट्री किया, लेफ्ट साइड में बहुत ब्यूटीफुल था, जहाँ हम लोग खूब सारे फोटो खिंचाए। अब हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट की ओर। देखो इसका एंट्रेंस, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें नैरो रोड्स है और इधर प्लांट है। फिर हमने यहाँ देखा, यहाँ कैंप हाउस जैसे नाइट कैंप भी स्टे करने के लिए होता है। अब आगे चलते हैं। ये है एंट्रेंस डोर। ये रिजॉर्ट जंगल के बीच बना हुआ है, इसलिए यहाँ काफी ग्रीनरी है। यहाँ पे है कुछ हैंगिंग प्लांट डेकोरेशन और यहाँ पे सीटिंग एरिया है। अंदर रेस्टोरेंट है, मैं आपको अंदर भी लेके चलूंगा, डोंट वरी। पहले लेक की तरह घूम के आते हैं। दिख रहा है ना ब्यूटीफुल लोकेशन। ये रिजॉर्ट का बाहर का व्यू है। अरे मैंने तो ये बताया नहीं ये कहाँ पर है। ये रिजॉर्ट है बरी गांव के पास, स्वरम लेक व्यू रिजॉर्ट। अब हम जा रहे हैं लेक साइड, जहाँ पे बहुत सारा सिटिंग अरेंजमेंट है। ये एरिया बहुत वाइड एंड ओपन है, यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं। ये देखो मैं ट्रैम्पोलिन समझ के जंपिंग कर रहा हूँ, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पे मम्मा पापा फोटो खींच रहे हैं। फिर हम लोग आ गए बोटिंग एरिया में। अभी हम लोग बोट का वेट कर रहे हैं। अभी तक नहीं आया यार, बोट कब आएगा? सनसेट भी होने वाला है अब तो। ये फाइनली बोट आ गया। हम बोटिंग के बाद नीचे आ गए। यहाँ मैं मामू के साथ मस्ती कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी का बर्थडे होने वाला है, डेकोरेशन वाला, चलो देखते हैं। ब्यूटीफुल लग रहा है ना। फिर हम लोग आ गए अंडर। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्विमिंग पूल। यहाँ पे बहुत लोग स्विमिंग कर रहे थे जो यहाँ स्टे कर रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। आओ आओ मेरे पीछे चलो। अरे थक गए क्या, चलते रहो। मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्री हाउस। ये जो स्टेप्स है वो ट्री के ऊपर जाता है और वहाँ पे बना है सिटिंग एरिया। वहाँ से आप कुछ खा सकते हो और व्यू एंजॉय कर सकते हो। अब हम चलेंगे नीचे। अब हम आ गए रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे था एक वेटिंग एरिया, सबकी बुकिंग थी ना, तो हम लोग को टेबल नहीं मिल रहा था। जब तक टेबल मिलता है तब मैं आपको अंदर से रिजॉर्ट दिखाता हूँ।
इधर सारे रूम्स हैं और सब स्टोन से बना हुआ है। दूसरे साइड्स भी रूम है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पापा टेबल के लिए वेट कर रहे हैं। इधर भी रूम्स है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं और ये आगे का लॉन एरिया है। फाइनली हम लोग को टेबल मिल गया और हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं। हमने मंगाया था नूडल्स और पनीर चिल्ली। आंटी ने हमें सर्व किया। मम्मा और चाचू ने वाटर से चीयर्स किया। हमने बस इतना ऑर्डर किया था, लेकिन दादी बना रही थी हमारे लिए डिनर। ये टेस्टी था, लेकिन स्पाइसी भी था। हमने खाना एंजॉय किया, फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। आप लोग अपने फैमिली के साथ जरूर आना। मैंने लोकेशन डिटेल वीडियो में बताया, पूरा वीडियो जरूर देखना। अब हम जा रहे हैं वापस। एग्जिट भी वही से था। आपने देखा था ना एंट्री वाला रोड जो थोड़ा नैरो था और खूब सारे प्लांट्स थे, वैसे हम एग्जिट करेंगे। आप लोग को कैसा लगा व्लॉग कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं न्यू व्लॉग लेके जल्दी आऊंगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।